मैं आज के बाद ना आपसे मिलने आऊंगा ना आपसे फोन पे बात करूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ जी, उसको ये चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो बहुत नाराज है। वो कह रही है या तो अपनी फ्रेंड को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। बात ये है उसको नहीं है भाई बिल्कुल पसंद, मैं आपके पास आता हूँ मिलता हूँ। आपकी वजह से मेरा रिलेशन खराब हो रहा है। हाँ कर दो यार, दोबारा मेरे को अपनी जिंदगी में शकल मत दिखाना। जाओ यहाँ से अपने घर, आप जाओ यहाँ से, आना मत आज के बाद और शकल मत दिखाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ यार अच्छे ही होगे। तो भाइयों काफी टाइम बाद फिर से यार अपनी आरसी के ऊपर आ चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं यार अपनी क्यूट गर्ल के पास, क्योंकि भाई वो हमें बुला रही है। थोड़ा सा वो नाराज इसलिए है यार, आपको पता है यार ऑफिस का टाइम बहुत ज्यादा टाइट चलता है यार। जो बंदे यार ऑफिस वगैरह जाते हैं वो रिलेट करते होंगे इस चीज से। भाई मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ और वो लड़की मेरे से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ समय मांगती है। वो ये कहती है दिन में आप मेरे से 10 मिनट भी बात कर लोगे ना तो बहुत बड़ी बात है। बाकी कोई नहीं, उसको भी मनाएंगे यार, उससे प्यारी प्यारी बातें करेंगे। और अगर हो सका आज उसको पर एक छोटा सा प्रैंक करने वाला हूँ। बाकी टाइटल थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लड़की बहुत स्वीट है यार। वो बुरा नहीं मानती, मैं मतलब कुछ भी बोल दूँ उसको या कुछ भी कर दूँ उसके साथ, लेकिन वो बुरा नहीं मानती यार। लड़की बहुत स्वीट है और ऐसे ही मेरे को दोस्त चाहिए मेरी लाइफ में जो बुरा ना। भाई नोएडा में आ रही ना, नोएडा की यार भाई भी अलग है, देख रहे हो ना भाई, ये ऊंची ऊंची इमारतें, पता नहीं क्यों यार नोएडा ना एक अलग ही तरीके की वाइब देता है। मेरा घर दिल्ली में है, मैं इतने टाइम से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे नोएडा की वाइब ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है भाई, क्योंकि मैं शुरू से मैंने यहीं जॉब करी और मैं यहीं रहा हूँ। और ये देखो गाइस पोर्शे काइन, अच्छी गाड़ी है यार, लेकिन हमारी औकात से बहुत बाहर है। हमने RC 390 रो के ले ली, यही बहुत बड़ी बात है। वरी दिख गई, हेलो हेलो, कुछ नहीं, हाँ ऐसी है तबीयत, ठीक है। नहीं नहीं यार दवाई का ऐसी तबीयत ठीक है, वो रही है नॉर्मली। ले लेंगे दवाई, शाम को लूँगा जाके। मैं क्यों उदास होऊंगा, क्या होगा। बैठ जाओ गाड़ी पे, बैठ जाओ तुम यार। फिर बंदे बोलते हैं आपको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती लड़की की, आपको पता नहीं है कैसे बात करते हैं। बैठो आप, बैठ, कुछ नहीं हुआ, क्या होगा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे की क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम वाम की ना सब ठीक है, काम वाम भी सब सही चल रहा है। कोई प्रॉब्लम क्या है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मूड खराब है। तुमने कॉल लग दिया मेरे पास, तुमने डर ये बोल दिया मतलब कि मेरे से मैं लास्ट बार अब नहीं मिलूंगा, ये है वो है। वही मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ, ना तो मैं बात कर पाऊंगा ना मैं आपसे मिल पाऊंगा। हुआ क्या है। नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, मैं बस इतना ही बता रहा हूँ आपको। देखो ना तो मैं आपसे आज के बाद बात कर पाऊँगा, आपने आज बुलाया मिलने के लिए, मैं आ गया लास्ट टाइम है ये, मैंने कुछ किया है क्या। और ना मैं मिलूँगा आगे से आपसे, आपने कुछ नहीं किया यार, थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो बताओ ना क्या है। नहीं यार बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको। बताओ यार, हाँ बोला ना पर्सनल इशू है थोड़ा सा। ऐसा क्या है मतलब पर्सनल, मुझे बताओ ना, फ्रेंड नहीं हो क्या तुम्हारे। नहीं फ्रेंड तो हो यार आप, ऐसी बात नहीं है, पर कैसे बताऊं यार तुमको मैं। मुंह से बताओ और कैसे बताऊंगी। हाँ मुंह से ही, मतलब कैसे बताऊं मुंह से भी। यार बताओ यार, इतना वो मत करो, मैं बस टेंशन हो रहा है। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मैं आज के बाद ना आपसे मिलने आऊंगा ना आपसे फोन पे बात करूंगा, क्योंकि भाई देखो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ जी, उसको आपके साथ में वीडियोस बनाता हूँ, उसको ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं है, उसने साफ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ जी। और तुमने मुझे बताया तो नहीं ना। बताया क्या नहीं यार, कोई बताने की चीज़ थोड़ी है, तो पर्सनल चीज़ है। पर्सनल क्या मतलब, फ्रेंडों के बीच में क्या पर्सनल, बताना चाहिए ना। बताना तो चाहिए था, पर्सनल था, मैंने सोचा क्या बताऊँ, इसलिए फिर मैंने कुछ बताया नहीं। तो तुमने मतलब बताया नहीं मुझे, गर्लफ्रेंड है मेरी।
देखो बताया क्या नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। उसका मेरे से, उसकी मेरे से बात हुई और वो बहुत नाराज है। वो कह रही है या तो अपनी फ्रेंड को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। यार देखो बताने का तो ऐसा था, ये मेरी थोड़ी पर्सनल चीज थी, मैंने नहीं चाहा आपको बताना क्योंकि मैं जल्दी से पर्सनल चीज अपनी बताता नहीं हूँ। यार ये चीज कोई बताने की थोड़ी है, नहीं रहते तो हैं यार। देखो बात ये है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा आपसे, आपसे मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, ना तो मैं आपसे मिल पाऊंगा अब और ना आज से हम बात करेंगे, क्योंकि देखो यार इस चीज के पीछे मैं अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहूंगा यार। रिलेशन? हाँ जी मेरा रिलेशन खराब हो रहा है। इस चीज़ से क्या रिलेशन खराब हो रहा है? उसको नहीं पसंद यार, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें लग रहा है मेरे चेहरा देखना, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? बात ये है उसको नहीं है भाई बिल्कुल पसंद, मैं आपके पास आता हूँ मिलता हूँ। नहीं देखो वीडियो बनाने का तो ऐसा है, मैंने वीडियो तो डालने की सोची नहीं थी, हाँ मिलने मिलने के लिए आपको मैं बुलाता था फोन करके और आप आते थे। नहीं यार मैं क्यों टाइम पास करूँगा, अगर टाइम पास करना होता तो मैं बता ही देता आपको। ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं ऐसा है, समझो मेरी बात को। यार एक बात बताओ, तुमने मुझे पहले बताया नहीं और अब बता भी रहे हो, तो मतलब इस तरीके से कि मिलना नहीं है, डायरेक्टली बोल रहे हो मिलना नहीं है ये। हाँ जी थोड़ी होता है भाई, देखो आपकी वजह से मेरा रिलेशन खराब हो रहा है। ठीक है आप अपने रिलेशन के साथ रहो, ठीक है उसी को करिए, उनको ही बुलाना, उनके साथ ही वीडियो बनाना और उनसे ही बात करना, उनसे फ्रेंडशिप रखना, तब उनसे ही करना। ठीक है मैं मेरे से बात करूँगी। हाँ तो यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ तो ठीक है ना फिर। देखो बात बात समझो, जब तुम किसी के साथ रिलेशन में होते तो तुम्हें इस चीज़ का पता चलता। मैं उस चीज़ को पहले क्लियर करके चलती ना, उस चीज़ को मैं पहले ही बोल के चलती कि मेरे साथ ही सब हो रखा है, मैं रिलेशनशिप में हूँ और तुमने मुझे बताया ही नहीं है। मेरे साथ क्या टाइम पास चल रहा था क्या, ये इतने दिनों से मुझे बुलाना, वीडियोज बनाना, मैं पागल हूँ क्या? यार समझो मेरी बात यार, आप क्या समझूं, ऐसा नहीं होता यार, मतलब कोई बात नहीं, सॉरी यार। क्या सॉरी, कुछ भी सॉरी, ऐसे थोड़ी होता है, पागल समझ रखा तुमने तो मुझे बिल्कुल यार। पागल क्या होता है इसमें यार, अब आपको, आप और मैं कोई रिलेशन में थोड़ी है यार, फ्रेंड ही तो है, दोस्त ही तो है, तो क्या हो गया? तो फ्रेंडों को भी बताया जाता है, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंडों को भी बोला जाता है। देखो बात ऐसी है, मैंने आपको बता दिया, आपको बुरी लग रही है चाहे अच्छी लगे, बस भाई अपना अपना आप देखो, अब अपना 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 देखो भाई। देखो आपकी वजह से मेरा रिलेशन खराब हो रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं आप, ठीक है मतलब मैं तो इतने टाइम से पागल थी ना, मेरे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, ठीक है, और मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ आ रही हूँ, जा रही हूँ, वीडियोस बनवा रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, पागल हूँ जब मन करा बता दिया, बोल दिया आ जाओ मिलने के लिए, ठीक है अब बोल दिया कि क्या ना, आप तुम्हारा टाइम काम निकल गया ना मेरे से। यार आप ज्यादा बोल रहे हो पता है, मुझे नहीं समझ। हाँ मैं आपको मिलने के लिए बुलाता था और मेरी गलती है, मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया, और पहली बात तो यार आप दोस्त हो मेरे, तो आपसे यार अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना मैंने जरूरी नहीं समझा। तो अब बता तो रहा हूँ यार मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। हाँ कर दो यार, हाँ कर दो यार, मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। हाँ यही है, कर दो, ठीक है ठीक है कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है कर दो।
पागल हूँ ना बस, शकल मत दिखाना यार ऐसा क्या मतलब गर्लफ्रेंड है भाई तुम्हारे चक्कर में मेरा रिलेशन खराब हो रहा है। उस चीज को ना पहले क्लियर करना चाहिए था आपको, ठीक है? अब बता तो रहा हूँ आपको, ऐसा थोड़ी हो रहा है, अब बता रहा हूँ, अब बताने से क्या है? तो आपको इतनी बुरी क्यों लग रही है? आपके साथ कोई रिलेशन में थोड़ी हूँ, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम बताओ। नहीं मेरे मन में कुछ नहीं। तो फिर इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशन खराब थोड़ी करूँगा मैं, ठीक है? इतने भी अच्छे नहीं हो आप। हाँ तो ठीक है, नहीं होना अच्छी, वो अच्छे ना तो मैं जा रही हूँ। जाओ यहाँ से आज के बाद, सुनो इधर मेरी बात, आज के बाद यहाँ आना और मत। नहीं मेरे से मिलने की ना, मेरे से मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और मेरे से ना गलती से कांटेक्ट भी मत करना आप। हाँ ठीक है, कर दिया ना तो उसको अनब्लॉक मत करना, ठीक है? बस यार ऐसा कर रहे हो जैसे कि मैंने पता नहीं क्या चीज़ छुपा लिया। अरे मेरी पर्सनल चीज़ है यार, नहीं बताई नहीं बताई, मेरी मर्जी, हद धोती है। जाओ यहाँ से अपने घर आप, जाओ यहाँ से, आना मत आज के बाद और शकल मत दिखाना। वाह गाइस ये तो भड़क गई भाई, बहुत गंदा भड़क गई। ओ हेलो, एक मिनट एक मिनट, इधर इधर आओ जरा, एक आओ, पहले इधर चलो आओ, बाइक के पास आओ। क्यों जाऊं मैं? अरे आओ ना यार, क्यों जाऊं? अरे आओ आओ जल्दी आओ, इधर चलो, रोड पे सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। अपने मन से ही बुलाओ, अपने मन से भेजो, मुझे पागल बना रखा है। पागल तो तुम हो ही, सुनो मेरी बात, अब दोबारा अपनी मेरे को ना शकल मत दिखाना, अब यहाँ से सीधे चले जाओ। मुझे वहाँ से बुला के क्यों लाए, मैं तो गई थी ना। दोबारा अब मेरे को अपनी जिंदगी में शकल मत दिखाना, देख ठीक है? ठीक है, आपके पीछे मैं अपना रिलेशन नहीं खराब करूँगा भाई। मेरी गर्लफ्रेंड है और उसको बुरा लगता है मैं आपसे बातें करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, इसलिए हम आज से नहीं मिलेंगे और ना आज से बात करेंगे, ठीक है? जा सकते हो अब आप। अच्छा एक चीज़ और, आपको पता है ये प्रैंक चल रहा है? कोई प्रैंक नहीं चल रहा है इतने टाइम से, तुमने मेरे ऐसा कोई प्रैंक नहीं होता, ठीक है? आपको पता है ये प्रैंक चल रहा है? ये जो कैमरा ऑन है, ये लाल बत्ती जो चल रही है, ये दिखी नहीं? मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है इसकी। झूठ मत बोलो, ठीक है? अरे झूठ नहीं भाई, सच में तुम्हारी कसम भाई, सच में प्रैंक है, प्रैंक हो गया आज तो, प्रैंक हो गया। तो पागल पागल है? हाँ पागल हूँ भाई मैं, पागल हूँ ओ भाई, हाँ भाई मैं पागल हूँ, हाँ पागल हूँ मैं, आज तो प्रैंक हो गया। ओए मम्मी री, ओए ओए ओए, जा नहीं रहे तुम, तो जा रहे थे, जाओ निकलो यहाँ से। ओए मम्मी मार दिया बहुत तेज तेज यार, नहीं जाओ तुम, जाओ सीधे जाओ यहाँ से, चलो जाओ। अरे लग जाएगी, ओए लग जाएगी, हट, अरे 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 नहीं भाई लग जाएगी, रहने दो। अरे मतलब प्रैंक कोई बता के करते हैं क्या? तो जाओ फिर, अब तुम चुप रहो, जाओ ना, चुप रहो, बता रही हूँ मैं। अच्छा कैसा लगा जब पता चला मेरी गर्लफ्रेंड है? मुझे क्या, गर्लफ्रेंड है तो है, होगी कोई, हो भी सकती है। कैसा लगा? अभी आपने जैसे फ्रेंक को बोला मेरी पर्सनल लाइफ है, तो उसमें मैं क्या करती हूं? और क्या, पर्सनल लाइफ नहीं है मेरी? तो फिर ठीक है ना, तो जाओ ना यहां से, क्यों खड़े हो यहां? अब मान जाओ गाइस आपका दोस्तों, आपका जो आप मेरे को कमेंट कर रहे थे वो मैंने आपका काम कर दिया, गर्लफ्रेंड प्रैंक ऑन बेस्ट फ्रेंड कर दिया भाई। हेलो ओए, कैसा लग रहा है? ये पता है इन्हीं लोगों की डिमांड है, इधर इधर मुंह मत छुपाओ, ये इन्हीं लोगों की डिमांड है, प्रैंक करो प्रैंक करो प्रैंक करो भाई, बोला है डीएम दिखाऊं, कमेंट में चेक कर लेना, गर्लफ्रेंड प्रैंक करो, इन्हीं की डिमांड पे ये प्रैंक हुआ है तुम्हारे ऊपर। कैसा लगा भाई? मुझे तो बड़ा मजा आया, मैं तो सोच रहा था रोएगी। मैं
मैंने तो सोचा था तुम रोओगी, ड्रामे करोगी, तुम तो यार कितनी आसानी से छोड़ के चल दी। तुम तो बेकार हो, तुम्हारे ऊपर तो भरोसा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम जाओ तो मैं क्या करूं फिर। तुम तो बेकार हो, तुम्हारे ऊपर तो भरोसा करना बेकार है, तुम तो बीच रास्ते में छोड़ के भग जाओगी कहीं। कौन हो? कौन हो? हाँ तो फ्रेंड नहीं हो, कौन हो? फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड हो। कैसा लगा आपको ये प्रैंक, मजा आया? मार दूंगी। हेलो, बूम बूम बूम। बस अब हाय हेलो तो कर दो, इन्हीं की डिमांड पे करा भाई, मैंने कुछ नहीं करा। कमेंट पढ़ लेना, देख लेना कमेंट में। चलो दोस्तों, कैसा लगा आपको प्रैंक बताना नीचे जरूर कमेंट करके। और मैडम के साथ कैसी वीडियो लगी, कुछ कहना चाहोगी? फिलहाल तो मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। अच्छा ठीक है, तो चलो समझ गया मैं। टाटा बाय बाय तो कर दो। बाय बाय गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसा मत किया करो गाइस। वैसे आज सच में पता नहीं चला ना, क्योंकि मैंने फ्रंट स्क्रीन ऑफ कर रखी है। सच में मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मतलब चलो ठीक है, बाय बाय करो अपने फैमिली मेंबर को। बाय बाय। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो अपनी बीस्ट को लेके, या फिर इसको देख के जो इसकी मैंने क्लास लगाई है ना आज, अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और अपने भाई को ऐसी प्यार दिखाओ। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।